देखिए, आज केवल ज्योतिष ही नहीं बल्कि दुनिया भर के खगोल शास्त्रियों की नजरें भी आसमान पर टिकी होंगी, क्योंकि आज बुध पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो इस चंद्र ग्रहण का इंसानी जीवन पर क्या असर रहने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चंद्र ग्रहण से जुड़े ऐसे तमाम पहलुओं को इस खास रिपोर्ट के जरिए समझ लेते हैं। आज रात 8:44 पर आसमान में एक खगोलीय घटना घटेगी। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण लगेगा। 130 साल बाद बुध पूर्णिमा पर लगने वाले इस खास चंद्र ग्रहण के ज्योतिषीय मायने बेहद खास हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा उसकी पहली शर्त यही है कि वो पूर्णिमा पर लगेगा। ऐसा माना जा रहा है कि बुध पूर्णिमा पर लगभग 135 कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 139 कह रहे हैं कि इतने वर्षों के बाद बुध पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का संयोग बना हुआ है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि ग्रहण काल में अगर आप पूजा उपासना करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसके परिणाम बहुत शुभ होते हैं। आप चंद्र ग्रहण की घटना को तो बखूबी समझते होंगे, लेकिन ये चंद्र ग्रहण उपछाया कहा जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्या है ये उपछाया चंद्र ग्रहण, इसे समझना भी जरूरी है। उपछाया ग्रहण में पृथ्वी बीच में नहीं आती, लेकिन लगभग बीच की स्थिति की वजह से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यानी चंद्रमा दिखाई तो देता है लेकिन वो मालिन्य दिखता है, चंद्रमा ढका हुआ नहीं दिखता, चंद्रमा थोड़ा धुंधला दिखता है, थोड़ा सा उसका रंग जो है वो छाया की वजह से बदल जाता है। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, जबकि यूरोप और एशिया के ज्यादातर हिस्सों में ये उपछाया चंद्र ग्रहण नजर आएगा। वहीं देश दुनिया में इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ सकता है, ये भी जान लीजिए। देखिए, चंद्र ग्रहण जो है वो सबसे ज्यादा असर डालता है जल तत्व पर, और हमारी पूरी दुनिया का 70% हिस्सा लगभग जल से बना हुआ है। अब चंद्र ग्रहण जब भी आएगा उसके 15 दिन आगे या पीछे एक तो क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, प्रकृति में परिवर्तन होंगे, और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। दूसरा, चंद्रमा संबंध रखता है राजनीति से, क्योंकि चंद्रमा को ज्योतिष में हम रानी या दूसरा राजा मानते हैं, तो राजनीतिक चीजों में पूरी दुनिया में परिवर्तन होगा। कहते हैं कि चंद्रमा का हमारे मन पर काफी असर रहता है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चंद्रमा की उपछाया भी हमारे मन पर उतना ही असर डालेगी जितना कि पूर्ण चंद्र ग्रहण। उपछाया चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो उतना ज्यादा तीव्र नहीं होता जितना ज्यादा तीव्र सामान्य चंद्र ग्रहण का प्रभाव होता है, लेकिन प्रभाव होता है। और उपछाया चंद्र ग्रहण जो है वो लोगों के मानसिक स्थिति पर या छोटी छोटी बीमारियों को पैदा करने में ज्यादा भूमिका निभाता है। जो सामान्य चंद्र ग्रहण है उसका प्रभाव प्रकृति पर, लोगों के सोच पर सबसे ज्यादा पड़ता है, लेकिन जो उपछाया ग्रहण है इसका प्रभाव होता जरूर है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता जितना ज्यादा सामान्य चंद्र ग्रहण का प्रभाव होता है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस दौरान सूतक काल को लेकर कुछ सवाल भी लोगों के मन में कौंध रहे हैं। उपछाया ग्रहण भारत में दिखे या न दिखे, अगर ये उपछाया ग्रहण है तो सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। अब उपछाया ग्रहण को चूंकि ग्रहण की श्रेणी में रखते ही नहीं है, इसलिए आप जो चाहिए खाइए, विश्राम करना चाहिए करिए, मंदिर में पूजा करना चाहिए करिए, गर्भवती महिलाओं को चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। फिलहाल बुध पूर्णिमा की रात चांद पर धरती की छाया पड़ने जा रही, जाहिर है 130 साल बाद ये उपछाया चंद्र ग्रहण लग रहा है तो इसका मानव जीवन पर असर काफी अहम माना जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।